हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया कार्यकलाप करने जा रहे हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। और वह कौन से पाठ से लिया गया है? वह लिया गया है पाठ मीरा बहन और बाघ से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 98। तो यह रहा वो कार्यकलाप जो हम करने वाले हैं। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे? पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो यह सारी चीजें जो चित्र के रूप में यहाँ पे बनी हुई है, वह किसी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। और वह व्यक्ति कौन है, यही तो हमें पता करना है। तो यह पता करने से पहले एक काम करते हैं, हम यह सारी वस्तुओं के नाम इनके नीचे लिख लेते हैं, फिर पता करेंगे ये कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा एक व्यक्ति है जिनसे ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो पहली चीज है यह। तो यह क्या है? यह है एक चरखा। जी हाँ, यह है एक चरखा। और चरखा किस काम आता है? चरखा धागा बनाने के काम आता है, सूत काटने के काम आता है। अब आते हैं दूसरी वस्तु पर जो कि है ये। यह मुझे एक घड़ी लग रही है ना, घड़ी ही तो लग रही है ये। पर यह मुझे दीवार घड़ी नहीं लग रही, क्योंकि यह इतनी बड़ी नहीं है और क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी हुई है जिससे इसे हाथ में पहन सकते हैं, तो यह हाथ में पहनने वाली घड़ी भी नहीं लग रही। तो यह कैसी घड़ी है? यह है एक जेब घड़ी। जी हाँ, इस घड़ी को जेब में रखा जाता है और इस चेन से वह कहीं गिरती भी नहीं है, तो इसे कहते हैं जेब घड़ी। अब आते हैं इस पर, यह क्या चीज है? यह तो तीन बंदर है, दिख रहे हैं ना तीन। एक ने बंद कर रखी है अपनी आंख, एक ने बंद कर रखे अपने कान और एक ने बंद कर रखा है अपना मुंह। तो यह क्या है? तीन बंदर। तो लिख देते हैं इसके नीचे तीन बंदर। अब यह क्या है? यह तो कुछ चप्पल जैसी लग रही है, पर आपको पता है यह चप्पल लकड़ी की बनी होती है और इन्हें कहते हैं खड़ाऊ। जी हाँ, इन्हें खड़ाऊ कहते हैं, कई लोग इन्हें पादुका भी कहते हैं। अब यह तो सबको पता है, यह है ऐनक। क्या है? ऐनक। और आखिर में बचा ये, यह क्या है? यह है एक मोटी मजबूत लाठी। जी हाँ, लाठी। तो अब बताइए, क्या आपको पता लगा कि ये सारी चीजें किस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं? बताइए बताइए, सोचिए। तो यह है जुड़ी हुई है हमारे हमारे राष्ट्रपिता से। और हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता का नाम है महात्मा गांधी। तो कौन थे महात्मा गांधी? ये रहे महात्मा गांधी। कई लोग तो इन्हें बहुत अच्छे से पहले से ही जानते होंगे। तो यह है महात्मा गांधी। चलिए इनके बारे में थोड़ा पता करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर क्षेत्र में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी को लोग प्यार से बापू भी बुलाते थे। जी हाँ, गांधी जी को लोग बहुत प्रेम करते थे और उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? बापू बुलाते थे। अहिंसा और सत्य इनके दो बड़े शस्त्र थे। जी हाँ, इन्होंने हमारे देश को आजादी किस चीज से दिलाई? अहिंसा और सत्य की मदद से।
तो यह थे हमारे राष्ट्रपिता, और उनका नाम क्या है? इनका नाम है महात्मा गांधी। जी हाँ, तो अब पता करते हैं कि जो सारी चीजें पीछे उस तस्वीर में थी, वो कैसे इनसे जुड़ी हुई है। तो कैसे जुड़ी हुई है वह सारी चीजें इनसे? तो पहले ही चित्र में दिख रहा है गांधी जी कर रहे हैं किसका प्रयोग? एक चरखे का प्रयोग, और वह सूत कात रहे हैं। तो गांधी जी के जीवन में चरखे का बहुत महत्व था। वह अपने कपड़े खुद बनाया करते थे। गांधी जी के लिए चरखा गरीबों की ओर समाज का ध्यान करने का एक जरिया था। जी हाँ, गांधी जी ने सारी विदेशी चीजों का त्याग कर दिया था और वह पूरी तरह स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए वह अपने लिए कपड़े खुद बनाया करते थे और चरखा खुद चलाया करते थे। तो और वह किस चीज के लिए चरखे का प्रयोग करते थे? समाज का ध्यान गरीबों की ओर करने के लिए वह चरखे का इस्तेमाल किया करते थे। अब आते हैं दूसरे चित्र पर। तो क्या आपको इस चित्र में यह जेब घड़ी दिखाई दे रही है? ये रही वह जेब घड़ी जो हमें पीछे उस तस्वीर में भी दिखी थी। तो गांधी जी को अपनी जेब घड़ी काफी प्रिय थी। वह हमेशा उसे अपने साथ ही रखते थे। अब ये रहे वह तीन बंदर, जिसमें से एक ने अपना मुंह बंद कर रखा है, एक ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और एक ने अपने कान बंद कर रखे हैं। तो क्या मतलब है इस बंदर का और कैसे यह गांधी जी से जुड़े हुए हैं? गांधी जी के तीन बंदर उनके सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जो कि है बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो और पुराना सुनो। जी हाँ, यह तीन बंदर गांधी जी के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। जिस बंदर ने मुंह बंद किया हुआ है, वह दर्शा रहा है कि बुरा ना बोलो। जिन्होंने अपनी आंखें बंद करी है, वह बंदर दर्शा रहा है कि बुरा ना देखो। और आखिरी बंदर, जिसने अपने कान बंद किए हैं, वह क्या दर्शा रहा है? वह बोल रहा है कि बुरा ना सुनो। और यह जो तीन बंदर है, वह गांधी जी के सिद्धांतों को दर्शा रहे हैं। इसी वजह से यह गांधी जी से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं आखिरी चित्र में। गांधी जी हमेशा खड़ाऊ और ऐनक पहना करते थे। जी हाँ, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने खड़ाऊ या पादुका पहनी हुई है। जी हाँ, और उन्होंने यहाँ पे ऐनक भी लगाई हुई है। दिख रही है ना आपको ऐनक? ये रही। जी हाँ, क्योंकि गांधी जी ने सारे विदेशी चीजों का त्याग कर दिया था, इसलिए वह खड़ाऊ का इस्तेमाल करते थे, जो कि लकड़ी से बनी होती है। और आखिर में ये रही वह लाठी जो उस तस्वीर में हमें दिखी थी। साथ ही में वह हमेशा लाठी के साथ चला करते थे। तो आज हमने बात करी अपने राष्ट्रपिता के बारे में और वह कैसे थे, क्या क्या चीजों का प्रयोग किया करते थे। बहुत सारी बातें जानी आज हमने महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए, मिलेंगे अब अगली बार।